संस्कृत भारती के अखिल भारतीय महामंत्री सृजदेव पुजारी मधुपुर पहुंचे। मधुपुर के संघ कार्यालय में उन्होंने लोगों के साथ बैठक की और संस्कृत के प्रचार प्रसार पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत सहित विश्व के 22 देशों के लोग संस्कृत पढ़ते लिखते अथवा बोलते हैं, इसलिए भारत में संस्कृत की महत्ता दिनों दिन घटती जा रही है। इसलिए अपनी देवभाषा को बचाने के लिए हमें संस्कृत सीखना चाहिए और हम अपने परिवार में अपने घर के बच्चों को संस्कृत लिखने पढ़ने अथवा बोलने के लिए उन्हें प्रेरित करें। कुंडबंगला स्थित संघ कार्यालय में मंगलवार को संस्कृत भारती की एक बैठक हुई। बैठक में संस्कृत भारती के अखिल भारतीय महामंत्री सृजदेव पुजारी, प्रांतीय सहमंत्री पृथ्वीराज मुख्य रूप से मौजूद थे। इस अवसर पर उन्होंने अपने विचारों से अवगत कराया, कहा कि नवंबर माह में दिल्ली में हुए विश्व संस्कृत सम्मेलन में पूरे विश्व से 22 देशों के लोग सम्मिलित हुए थे। इसकी जानकारी उन्होंने विस्तार से दिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी लोग संस्कृत बोलना सीखें। इसके लिए 12 जनवरी को मधुपुर में एक शिविर का आयोजन किया जाएगा जो निरंतर चलता रहेगा। साथ ही जिला सम्मेलन करने का भी निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर संस्कृत भारती के संयोजक अजीत नारायण पांडे, बलदेव पांडे, रामचंद्र यादव, पंचानंद पांडे, दिवाकर पांडे, अरुण पाठक, सौरभ सिंह समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। समाज को संस्कृत सिखाना यही उद्देश्य, इसलिए स्थान स्थान पर कक्षा चलाना, जिनको संभाषण आता है उनको शास्त्र सिखाना, जिनको नहीं आता है उनको भाषा सिखाना, फिर लिखना सिखाना, सब क्रम से एक एक को आगे 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 सीढ़ी चढ़ाते जाना, यही लक्ष्य है। इससे क्या हमारा समाज विकास करेगा? शास्त्रों के आधार पर यदि जीवन जिएंगे तो हमारा भी कल्याण है और हमारे अनुकरण विश्व करेगा तो उनका भी कल्याण है। लेकिन हमारे समाज में आज के वर्तमान समय कुछ लोग बोल रहे हैं कि संस्कृत पढ़ पढ़ के हमने जीवन लीला अपनी समाप्त कर दी, लेकिन कहीं कुछ रोजगार नहीं मिला। वैसे परिस्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको धन कमाना है तो उनको पढ़ने की ही आवश्यकता नहीं है, कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो सीधा धन कमाने में लग जाए। धन का और पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है। आप विश्व के जितने धनिक लोग हैं उनकी सूची, वो फोर्स एक मैगजीन है वो छापता है, वो सूची लीजिए और उनके सामने उनका पढ़ाई लिख दीजिए तो आपके समझ में आ जाएगा पढ़ाई का और धन का बनने का क्या संबंध है। जो विश्व का सर्वाधिक धनी व्यक्ति है बिल गेट्स, वो स्नातक नहीं है।